हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध। इसे समझने से पहले हम पहले ये याद कर लेते हैं कि हमने विभव में क्या पढ़ा था। विभव के डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कोई एक आवेश हुआ करता था जिसके चारों ओर का क्षेत्र होता था, जिसे हम कहते थे विद्युत क्षेत्र। इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि अनंत दूरी पर, कोई एक अन्य आवेश हुआ करता था, मान लीजिए कि Q1, और इसको हम यहाँ पे स्थित इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए जो हम विपरीत कार्य करते थे, विपरीत दिशा में जो कार्य करते थे, तो वो उस बिंदु के लिए विद्युत विभव होता था। तो इसी इन्हीं बातों को हम एक स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना विद्युत क्षेत्र में धनात्मक परिक्षणीय आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित किया गया है। ये बात आप ध्यान लीजिएगा कि विपरीत दिशा में, क्योंकि इस बात का उपयोग हम डेरिवेशन में करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित किया गया है। तो आगे हम डेरिवेशन सॉल्व करते हुए आगे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही चैप्टर में कि किसी धन प्रेक्षणीय आवेश के लिए किसी धन प्रेक्षणीय आवेश द्वारा लगाया गया बल तथा धन प्रेक्षणीय आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से, किसी धन प्रेक्षणीय आवेश द्वारा लगाया गया बल तथा धन प्रेक्षणीय आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा ई इंटू क्यू नॉट, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। हम मान लेते हैं कि ये जो विस्थापन है, ये यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, ये बहुत ही कम दूरी में है। मान लीजिए कि सूक्ष्म दूरी के लिए हम मानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि डी आर विस्थापन के लिए, मान लीजिए बहुत छोटा सा दूरी है, आर दूरी है, बहुत छोटा सा दूरी है। अगर हम छोटे दूरी के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आइए तो हम लिख लेंगे कि डी आर विस्थापन के लिए किया गया कार्य। माना हमने है कि बहुत ही कम विस्थापन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है बहुत ही कम है, कम विस्थापन के लिए हम छोटे से अगर दूरी के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, डी आर लेंगे। एक बात आप याद रखिए, अगर छोटा दूरी के लिए निकालना रहता है तो हम आकलन करने रहते हैं। मान लीजिए कि पूरा पेज है, इसके अगर एक छोटे से अगर पृष्ठ का हमें मान निकालना है तो हम आकलन करेंगे। अगर इस पूरे पेज का हमें मान निकालना है, मान लीजिए कि विद्युत विभव या फिर किसी भी चीज़ का मान निकालना है, तो हम समाकलन करते हैं। तो ये आप मैं आके तो नोट कर लीजिए कि छोटी दूरी के लिए हम आकलन करते हैं और बड़े मान के लिए हम समाकलन करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, हमारा है क्या कि डी आर विस्थापन के लिए किया गया कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का होता है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। चूँकि छोटी दूरी है तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि dW, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ये बल हो गया, बल हमारा वेक्टर F, और हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, dr, वेक्टर dr। हमने पहले ही पढ़ा था कि विपरीत दिशा में विस्थापित किया जाता है, इसके विपरीत दिशा में। आप देखिए, इसके हम विपरीत दिशा में ला रहे हैं, ये फोर्स इधर लगा रहे हैं, हम इसको इधर ले आ रहे हैं। तो हम विपरीत दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, विपरीत दिशा में बल लगा के हम कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु को विस्थापित कैसे किया जाता है, बल लगा के किया जाता है। सपोज इट ये पेन है, तो अगर हमको इसको यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करना है तो हम कैसे, इस पर बल ही तो लगाएंगे ना। अगर हमको इधर करना है तो हम इधर बल लगाएंगे, इसके विपरीत दिशा में विस्थापित करना है इधर लगाएंगे, विपरीत दिशा में लगाएंगे तो हम माइनस साइन लगाएंगे। तो ये हमने लिखा है dW बराबर माइनस F इंटू dr। समीकरण एक से हम F का मान रख देंगे तो हम क्या लिखेंगे, dW बराबर माइनस F की जगह पे हम क्या लिख देंगे, क्यू नॉट ई इंटू dr। अभी हम बताते हैं कि ई इंटू dr को हमने एक साथ क्यों रखा है, इंटू dr, ये हो गया, ये भी वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी। अब हम क्या करेंगे, ये क्यू नॉट को, आपको शायद दिख रहा होगा, ये क्यू नॉट को हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा dW। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू
डी आर, वेक्टर ई इंटू डी आर। चूँकि हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है कि वी इजकल टू क्या होता है, हमारा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ई इज वी इजकल टू क्या होता है डब्ल्यू, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। तो आप अगर सूक्ष्म है तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आप देख सकते हैं इसके जैसा ही है, लेकिन ये क्या है सूक्ष्म, अगर ये क्या है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी सूक्ष्म दूरी के लिए, सूक्ष्म दूरी है ये, और ये तो हम इसका विभव भी क्या होगा सूक्ष्म होगा। तो हम लिखेंगे कैसे आइए देखते हैं, एक बार लिख देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डी भी इजकल टू माइनस वेक्टर ई इंटू डी आर, सूक्ष्म के लिए था, छोटे दूरी के लिए था, तो इसलिए विभव का मान भी क्या था छोटा था, इसलिए हमने क्या लगा दिया डी। और इससे हम एक इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। हमने चूंकि पहले ही मान रखा था कि आवेश को कहाँ से लाया जा रहा है, अनंत से बिंदु पी तक लाया गया है। हमने पहले क्या माना था कि आवेश को हम अनंत से ले आ रहे हैं बिंदु पी तक, शुरू में ही मान्यता के अनुसार हमारा था। तो हम चूंकि इक्वेशन सेकेंड एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम क्या हमने क्या इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या था कि डी भी इजकल टू माइनस वेक्टर ई इंटू डी आर, वेक्टर डी आर, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड था, ये मान चुके हैं। तो ये तो छोटी दूरी के लिए अगर हमें विभव का मान निकालना रहेगा, विद्युत क्षेत्र अगर दिया रहेगा तो हम ये निकाल लेंगे। लेकिन अगर दूरी बड़ी हो, मान लीजिए कि छोटे से पृष्ठ के लिए निकालना है, अगर ये पूरे पेज के लिए निकालना है, पूरे पेज पे अगर विद्युत धारा प्रवाहित है, आवेश है, और उस पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है, तो क्या करेंगे। हमने पहले ही बताया कि छोटे दूरी के लिए हम क्या करते हैं, छोटे मान के लिए हम अवकलन करते हैं और बड़े मान के लिए हम समाकलन करते हैं। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, P से अनंत तक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम आवेश को अनंत से बिंदु P तक ले आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे देखते हैं, अतः इंटरग्रेशन डी भी का हम पहले इंटरग्रेशन कर देंगे, समाकलन करेंगे। बिंदु कहाँ से है, अनंत से बिंदु P तक है, अनंत से हम बिंदु P तक ला रहे हैं, इसलिए अनंत हमारे लोअर लिमिट है और P हमारा अपर लिमिट है। और इधर भी हम इंटरग्रेशन कर लेंगे, माइनस को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, और ये वेक्टर ई इंटू डी आर, वेक्टर डी आर, इसको ये भी कहाँ से, पी से लेकर अनंत तक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसका हम इंटरग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स वी पी, इसका हम इंटरग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी भी का अगर हम इंटरग्रेशन करते हैं तो ऑफकोर्स भी हो जाता है, और कहाँ से कहाँ तक है, पी से लेके अनंत तक है। और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, अनंत से लेकर पी और ई इंटू वेक्टर डी आर, माइनस का साइन रहेगा ही। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वी पी माइनस वी अनंत तक है, और इसकल टू माइनस ये क्या है इंटरग्रेशन पी, इंटर पी से लेकर अनंत तक वेक्टर ई इंटू डी आर। चूँकि हम जानते हैं कि अनंत पर विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर उसे देखिए, तभी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अनंत पर विभव का मान क्या होता है, शून्य, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हम किसी भी चीज़ में से जीरो घटाएंगे तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी पी इक्वल टू माइनस इंटरग्रेशन लेकर पी ई इंटू वेक्टर ई इंटू डी आर, और यही हमारा सूत्र हो जाएगा, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में क्या संबंध है, तो इसे आप अथवा करके भी लिख सकते हैं कि भी, मैं तो हमने पी बिंदु के निकाला है तो हमने पी लिखा है, अगर ऐसे रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, भी इसकल टू माइनस इंटरग्रेशन, इंटरग्रेशन यहाँ पर जो कोई बिंदु होगा वो बिंदु, मतलब जो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, वो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू डी आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, यानी वैद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही संबंध है। और इसको हम लिखेंगे कैसे अंत में, आइए वो भी देख। तो हम इसको लिख देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर है। आप देख रहे हैं कि वैद्युत विभव है, ऋणात्मक रेखीय समाकलन के क्या है, बराबर है।
इस चीज़ को अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख देंगे तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आप ऐसे प्रारूप से आप लिखेंगे तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे, इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुमार मित्तल की किताब से पढ़ते होंगे, कुमार मित्तल की किताब में ये दिया है इसलिए मैंने लिखवा दिया। एनसीईआरटी में तो इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।